शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रजनी का नंबर बंद क्यों है? ललित को कॉल करता हूँ। ललित फोन क्यों उठा रहा? अजीब बात है, रजनी का फोन बंद आ रहा है और ललित फोन नहीं उठा रहे। देखता हूँ, दो दिन से रजनी को फोन कर रहा हूँ, उसका फोन बंद आ रहा है और ललित जी भी मेरा फोन नहीं उठा रहे। माजी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, वो बुलाइए ना उसे। रजनी, रजनी भाग गई तुम्हारी बहन अपने आशिक के साथ। ये क्या कह रहे हैं आप ललित जी? सही कह रहा है मेरा बेटा, तुम्हारी बहन अपना मुंह काला करके ये घर छोड़कर चली गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता रजनी, ऐसा नहीं कर सकता। अगर इतना ही विश्वास है अपनी चरित्रवान बहन पर तो लो ये चिट्ठी पढ़ लो। भागने से पहले उसने मेरे नाम पर ये चिट्ठी लिखी थी, तो पढ़ लो। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इसीलिए घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। ये हैंडराइटिंग तो रजनी की है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम्हारे यकीन करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है? जो होना था वो तो हो गया ना। पूरे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा उसने। अब यहाँ खड़े क्या हो? जाओ अपनी बहन को ढूंढो। जाओ यार। आपकी बहन के बारे में सुनके बहुत दुख हुआ। कितनी शरीफ दिखती थी ना बेचारी। किसने सोचा था एक दिन ये दिन भी देखना पड़ेगा? जी आप कौन? ते पहले तो इस घर में आपको नहीं देखा मैंने। ये हमारी रिश्तेदार हैं, कुछ दिन के लिए आई हैं यहाँ पे। खड़े खड़े वक्त क्या बर्बाद कर रहे हो? जाओ जाके अपनी बहन को ढूंढो। मुझे 2 लाख चाहिए इसी वक्त। मेरे पास दारू पीने के पैसे नहीं है, तुम्हें 2 लाख कहाँ से दे दूँ? जब पैसे आएंगे तब ले लेना। तुम दारू पियो या जहर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने मेरे पैसे 2 घंटे में नहीं दिए तो तुम लोगों की असलियत मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी। कैसी असलियत? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? आपकी पत्नी रजनी के भाई ने कंप्लेंट की कि इनकी बहन 2 दिन से लापता है। कहाँ है आपकी पत्नी? अरे सर, हमने इनको बताया है कि इनकी बहन अपने आशिक के साथ भाग गई है। आज ही हमने चिट्ठी भी दी है उन्हें। इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं लोग। 2 दिन पहले रजनी से मेरी बात हुई थी, किसी बात को लेकर परेशान थी बेचारी, कुछ बताती नहीं थी पूछने पे। अपने घर की तलाशी लीजिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर। अरे ऐसे कैसे तलाशी लीजिए? अपनी बहन के साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया क्या? इंस्पेक्टर साहब, ये भाई बहन ना एक नंबर के झूठे और मक्कार है। इनकी बात पर विश्वास मत कीजिए, ये आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरा विश्वास कीजिए। हमारे पास घर की तलाशी का भी वारंट है, पर वैसे अगर आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का? कांस्टेबल, तलाशी लो। ये दरवाजा क्यों बंद है? सर ये स्टोर रूम है, तो यहाँ पे घर का सारा सामान रहता है।
खोलो इसे। सर ये दरवाजा बंद रहता है। जल्दी खोलो इसे। लो चाबी, लो चाबी, लो। और बाहर चल, लेके जाओ इसे बाहर। रजनी, 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 पैसों की लालच में लोगों ने मेरी बहन के साथ जानवरों से भी गंदा सलूक किया है। छोड़िएगा नहीं लोगों। आप सब लोग पुलिस स्टेशन चलिए। कांस्टेबल ले चलो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति और उनके घर वालों को सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि धोखाधड़ी के लिए भी सजा मिलनी चाहिए। कैसी धोखाधड़ी? यही कि मेरा पति ललित एक लड़का नहीं, लड़की है। ये क्या बकवास कर रही हो इंस्पेक्टर साहब? ये झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर साहब, आप ललित का फिजिकल एग्जामिनेशन करवाइए, अभी के अभी सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। कॉन्स्टेबल कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? ये झूठ बोल रही है, ये पागल हो गई। इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रही है। रजनी सच बोल रही है सर, ये लड़का नहीं लड़की है। दिया धोखे बाद फिर इस जिंदगी बर्बाद कर दी। इंस्पेक्टर साहब की हरकतों की वजह से मुझे इस पे शक होने लगा था। देखिए आप, इसका इस्तेमाल रोज रात को ललित करता है। मुझे नहीं पता इसमें क्या था। वो तो एक रात को मैं इसकी कवर्ड में कपड़े रख रही थी और तब ललित जी ने क्यों रखा है? तो ललित जी की फोटो है। इसे सब पता चल गया और फिर इन लोगों ने मुझे घर में ही कैद कर लिया और जबरदस्ती मुझसे वो लेटर लिखवाया कि मैं किसी के साथ भाग गई हूँ। और ये कौन है? ये पायल है।
मेरी पहली पत्नी। इंस्पेक्टर साहब, रजनी की तरह इसने मुझे भी धोखा दिया था। 2 साल पहले हमारी शादी हुई थी। शादी के दूसरे दिन ही मुझे पता चल गया था कि ये लड़का नहीं लड़की है। इन लोगों ने पैसों के लिए मुझसे झूठ बोलकर शादी की और इन लोगों से बदला लेने के लिए मैंने इनके साथ सौदा किया कि हर महीने मुझे 1,00,000 रुपए देंगे। लेकिन उससे पहले ही ये लोग यहाँ से भाग गए। मैं चाहती तो पुलिस कंप्लेन भी कर सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने खुद इन लोगों का पता लगाया और जब मुझे पता चल गया कि ये लोग यहाँ हैं, तो इन पे नजर रखना शुरू किया और एक दिन इनके घर के अंदर घुस गई। तुम्हें दहेज देने के चक्कर में मेरे बाप ने घर तक बेच दिया, अब उसकी दुगनी भरपाई तुम लोग करोगे। और हाँ, आज से मैं यही इसी घर में रहूंगी तुम लोग के साथ, और तुम लोगों में से किसी ने भी जरा सी भी कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी पत्नी और पूरी दुनिया को बता दूंगी। मेरा बैग मेरे रूम में पहुंचा दो। ऐसा क्या हो गया था कि आपकी बेटी को लड़का बनना पड़ा? क्या है इसकी असलियत? इसका असली नाम लता है। मेरी एक ही बेटी है। जब भी इसका रिश्ता पक्का होने जाता, दहेज की वजह से इसका रिश्ता टूट जाता। पैसों की कमी की वजह से लता की शादी नहीं हो पा रही थी, इसलिए एक दिन लता ने फैसला कर लिया कि वो ललित बनकर दूसरों से दहेज मांगेगी और पैसों के लालच में लता ने ललित का रूप लिया और हमने इसकी दो शादी करा दी। अब बाकी की जिंदगी दोनों माँ बेटी जेल में चक्की पीस कर काटना। कांस्टेबल, ले चलो इन्हें, ले चलो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, मुझ में हिम्मत थी इसलिए इन लोगों की सच्चाई जानने के बाद भी खड़ी रही, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे दुख है। ये लो तुम्हारे पैसे, तुम्हारी अमानत। अपना ख्याल रखना।